Hola. Encantado de conocerte. अरे बाप रे भाई ने ठोकी दी थी गाड़ी में. Try to guess. क्या कहते हो इंडियन? Yeah. कर लो भैंस के एक्सप्लोरेशन. अब यहाँ से निकलना तो पड़ेगा ही. ये थोड़ी बच के रहना पड़ेगा. सामने वाला बंदा है ना, मेरे को डाउटफुल लग रहा है जिस हिसाब से लुक्स दे रहा है लोगों को. और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में. प्लेस मनागुआ, द कैपिटल ऑफ निकारागुआ. मनागुआ, निकारागुआ, थोड़ा थोड़ा सिमिलर सा ही नाम है भाई. आज है निकारागुआ के अंदर मेरा पहला दिन और कल रात को मैं फाइनली, ये देख रहे हो आप टीका बस, ये बस पकड़ कर सैन होजे से निकारागुआ पहुँच चुका था. एंट्री जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था, एंट्री स्मूथ थी यार. मुझे कुछ ऐसे पंगे वंगे फेस नहीं करने पड़े, सब आसानी से एकदम हो गया. कोई ऐसा बड़ा चैलेंज भी नहीं था. मुझे डर लग रहा था बस वो ड्रोन वाला, लेकिन वो ड्रोन वाला लफड़ा भी सॉल्व हो गया भाई. अगर देखा जाए ना तो एक हिसाब से मैंने बहुत गलत चीज़ की है, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था. तो अभी मैं जा रहा हूँ निकारागुआ के कैपिटल को एक्सप्लोर करने. अब 3-4 घंटे अगले एक्सप्लोर करूँगा और उसके बाद भाई फिर आगे के मेरे प्लान में देखूँगा. लेकिन सारी चीज़ें करने से पहले भाई सबसे पहले इम्पोर्टेंट है पेट पूजा. तो अभी मैं आ चुका हूँ खाना खाने और ये एक रेस्टोरेंट है के पास. क्या क्या है? ओला बन बन दिया. हाँ मीरा मीरा. ओके ओके. उनो पोयो पराका पराका सलाद पोयो पोयो. ओके. उनो नो 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 या सी पोयो सलाद. होला यस. नो हैबलो स्पेनियल. एंड और क्या क्या है इनके पास? केसो. English, yes, see, see. YouTube, YouTube. Yeah. Okay. Where are you from? From India. Uh-huh. Yeah. Yeah. How you say nombre? Pure. Pure. Potato is how you say in potato. In Spanish, potato? Pure de papa. Pure de papa. Okay, okay. Placanta? Maduro. Jamaica, huh? Chia, guayaba. It's drink? Sí. Limón? No. No? Muchas gracias. Salsa picante? Sí. Chile. Chile? Okay. Es azúcar. ये खा रहा हूँ भाई. प्लाकांता आपने लास्ट कुछ वीडियोस में देखा ही होगा. ये केला फ्राइड, ये चिकन हो गया, ये सैलेड हो गई और ये भाई थोड़े से मैश पोटैटो और ये राजमा. भाई मैंने खाना खा लिया है. पहले कॉफ़ी ऑर्डर करना भूल गया था, लेकिन यहाँ पे जो बंदे हैं, यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, उनसे पूछने लगे भी क्या काम करते हैं. मैंने बोला मैं घूमने आ रखा हूँ निकारागुआ के अंदर और ये भाई यहाँ से मैंने पूरा अमेरिका तक जा रहा हूँ, वो सारी बातें बता दी. उसके बाद चैनल देखा तो खुश हो गई यार. क्या तुम निकारागुआ किस लिए घूमने आए हो यार? अच्छी जगह है घूमने के लिए. फिर मैंने उनको कल वो मेरे वो एक स्टोरी बताई कि यार मैं वोल्कनो देखने जाऊँगा, इसके बाद लियोन जाऊँगा वो सब. तो अभी कह रहे कि हाँ हम तेरी वीडियो में आएंगे, लेकिन हमें एक बार रेडी होने दे. तो अभी बंदे रेडी होने जा रहे हैं, उसके बाद मैं उन लोगों से यहाँ के लोग जो लोकल से उनसे बात करूँगा. खाना मेरा कंप्लीट हो चुका है. खाना सही था यार. और इस खाने के लिए हाँ क्या फिलेचे मुचा ग्रेसियस तो मतलब दीप. यस. ये भाई मैंने कॉफ़ी ऑर्डर की है, काफे तिलेचे, मतलब दूध वाली कॉफ़ी. ब्यूटिफुल हरमोसा. नाउ सी हरमोसा. कोमो ते लामास? फर्नांडा. या मी नोम्ब्रे दीपांशु. दीप, नाइस टू मीट यू टू. लिस्टो. लिस्टो सी रेडी. यस सी सी सी. हां वॉकी टॉकी. हां सी. ओके वामोस वामोस. वाला वाला मिरेला. मीरा 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 मीरा. ओला. मुचा ग्रेसियस मुचा ग्रेसियस. एनकांतांदा दे. एनकांतादो दे कोनोसेरते. एनकांतादो दे कोनोसेरते. सी हॉम्ब्रे.
भाई स्पेनिश सीख रहा हूँ मैं, और इसके बोलते हैं नाइस टू मीट यू को, और इसमें फेमिन और मस्कुलिन साइड दोनों हैं। भाई यहाँ पे है ना सिस्टर हैं, ये मुझे अलग अलग स्पेनिश के वर्ड सिखा रही हैं। क्यों दो पारे? क्यों दो माय? क्यों दो माय? माय क्यों दो माय? हाँ माय ब्रो ब्रो है। ओके हाँ पिकांते सालसा पिकांते चिले चिले ओके Managua? Sí. Okay. Paola. Paola. Day. Paola. Paola. Day. Day. And Dailani. Dailani. Managua? Sí. ये भाई यहाँ का कोई चिली टाइप का सॉस है, इसे पिकांते बोलते हैं। ओके बाय बाय। बाय। मुचा ग्रेसियस। बाय बाय। ओके थैंक यू। बाय बाय। तो भाई खाना मेरा हो चुका है, और इस खाने के लिए मैंने पे किए 150। एक बार रुको मैं आपको यहाँ की करेंसी दिखाता हूँ, एक यहाँ की करेंसी का नाम याद नहीं हो रहा है, बाकी सब कर लिया मैंने। तो देखिए भाई ये है निकारागुआ की करेंसी, और इस करेंसी का नाम है कोर्डोबास। कोर्डोबास। और इसमें 20 का नोट, 10 का नोट, 100 का नोट, 200 का नोट और 1000 का नोट, और 1 कोर्डोबास इज इक्वल्स टू 2.2 इंडियन रुपीस। यूँ मान लीजिए थाई भात का रेट और इस कोर्डोबास का रेट एकदम बराबर है। तो अपना एक कोर्डोबास के अंदर होते हैं 2.2 रुपीस, और इसी तरीके से मेरे खाने का रेट थे। मैंने खाने के लिए यहाँ पे किए हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको खाना दिखाया था उसके लिए 150 कोर्डोबास, और जो मैंने कॉफ़ी पी थी उसके लिए पे किए थे मैंने 20 कोर्डोबास, और टोटल मेरा बिल आया था 170 कोर्डोबास में, जिसमें मेरा ये सारा खाना पीना हो चुका था। तो कंपैरेटिवली अगर आप कोस्टा रिका के साथ कंपेयर करेंगे निकारागुआ, तो बहुत सस्ती कंट्री है ये। इवन ये जैसे यहाँ पे मैं रुका हुआ था, मुझे एक पर्सनल रूम मिला हुआ है जिसके लिए आई वॉज पेइंग $10। और सेम भाई अगर ये वहाँ पे होता ना, सेम टीका बस का जो होटल है वो कोस्टा रिका में भी था, और वहाँ पे इसी सेम होटल के वहाँ पे चार्ज थे $30 और यहाँ पे हैं $10। काफ़ी सस्ता है भाई निकारागुआ, और मेरे को ना निकारागुआ में ज़्यादा मज़े आ रहे हैं अब तक जो मैंने थोड़ी बहुत फील ली है। कोस्टा रिका में ना यार थोड़ा सा अलग टाइप की वाइब्स थी, मेरे को यहाँ की वाइब ज़्यादा सेक्सी लग रही है सच में। मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ से निक मार्केट के अंदर, और वो ओरिएंटल मार्केट है यहाँ का, और वो लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा मार्केट माना जाता है, सबसे बड़ा ओपन एयर मार्केट। लेकिन वहाँ जाने से पहले मैं थोड़ी सी निकारागुआ की हिस्ट्री के बारे में बात करने वाला हूँ। जस्ट लाइक रेस्ट ऑफ द सेंट्रल अमेरिका, निकारागुआ के अंदर भी भाई स्पेनिश आए थे 16th सेंचुरी में, अर्ली 16th सेंचुरी से लेके 1821 तक शायद स्पेनिश ने यहाँ पे राज किया, और उसके बाद स्पेनिश से इनको इंडिपेंडेंस मिलती है, और उसके बाद फिर एक कंट्री बनती है निकारागुआ। स्पेनिश से इंडिपेंडेंस मिलने के बाद है ना यार निकारागुआ के अंदर है ना सिचुएशन कभी भी बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं रहे भाई, कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई। अगर आप जैसे इसके पड़ोसी देश कोस्टा रिका के साथ देखोगे, कोस्टा रिका ने है ना बहुत अच्छा स्टेबल पीरियड देखा है, और अभी भी कंट्री बहुत ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन निकारागुआ के साथ ये सीन नहीं है, काफ़ी इंस्टेबिलिटी रही यहाँ पे, हमेशा लेफ्ट और राइट विंग के बीच में हमेशा पंगे चलते ही रहे, और उस कारण से यूएसए का इन्वॉल्वमेंट इस कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा रहा, और बार बार इस कंट्री के अंदर पब्लिक अनरेस्ट होते रहे, और इस कारण से अब भाई निकारागुआ के अंदर एक डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है, और भाई वो बंदा बैग है रशिया के साथ, और रशिया उसको बैग करता है, और निकारागुआ के यूएस के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है। ये है निकारागुआ का पॉलिटिकल सिनेरियो, बहुत ज़्यादा डीप हिस्ट्री में मैं जाऊँगा नहीं और ना मैं जाना चाहता हूँ। तो अब यहाँ से मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ यहाँ का मनागुआ शहर को, द कैपिटल ऑफ निकारागुआ, और यहाँ से अब मैं बाइक टैक्सी पकड़ के जाने वाला हूँ द ओरिएंटल मार्केट। वो मार्केट भाई एकदम मस्त टाइप का मार्केट है, और वहाँ जाके देखेंगे भाई क्या सीन है और क्या नहीं। बाकी निकारागुआ है ना अपनी एक चीज़ के लिए बड़ा जाना जाता है कि यहाँ पे पानी और बिजली के बड़े पंगे हैं, तो यहाँ पे कई बार आपको लोड शेडिंग भाई लाइट कट मिल जाएंगे, कई जगह पर पानी नहीं आता है। लेकिन लकीली जिस हॉस्टल में मैं रुका हूँ या होटल में मैं रुका हूँ ना, वहाँ पे पानी की दिक्कत नहीं है, पानी सही आ रहा है मेरे हिसाब से। एक तो ये अभी रेनी सीजन है तो ये भी एक कारण हो सकता है। और भाई निकारागुआ के अंदर एक पंगा और है, यहाँ पे ऊबर काम नहीं करती है, और बाकी टैक्सी एप्लीकेशन भी नहीं है, यहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ेगा इन ड्राइव। तो अब जैसे मैं इन ड्राइव से एक बाइक टैक्सी यूज़ ऑर्डर कर रहा हूँ मार्केट जाने के लिए, जिस मार्केट में जा रहा हूँ इसका नाम है मर्सादो ओरिएंटल मनागुआ। स्पेनिश के अंदर मार्केट को मर्सादो बोलते हैं, मर्सादो या मर्कादो। अब बस भी जाते हैं लेकिन इन बस का रूट मेरे को पता नहीं है यार, यही है अपना अमीगो है। लुइस ओला पल्सर इंडिया ओरिएंटल। भाई मनागुआ के अंदर पल्सर पे बैठा हूँ मैं। नमस्ते समीगो गुड।
ये सामने अल्टो। आ गया हूँ भाई मार्केट के अंदर। थोड़ा शेडी टाइप का मार्केट तो लग रहा है ये, लेकिन ठीक है। एक बार कहीं पे बैठ के कॉफ़ी पीते हैं ताकि मार्केट के साथ मैं थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाऊं, और उसके बाद फिर भाई घूमेंगे मार्केट को। भाई जस्ट मार्केट के बाहर है ना, अभी यहाँ पे एक मुझे दुकान मिली है, वहाँ पे बैठ के थोड़ा इनसे पूछूंगा कि मार्केट के अंदर का माहौल कैसा है, और इधर ही बैठ के थोड़ा जूस पीने वाला हूँ। आ गया हूँ भाई, पी लिया है मैंने वो जूस वूस पीना था जो भी। और यहाँ पे जो बंदे हैं उनसे मैंने पूछा कि यार मार्केट के अंदर घूमना सेफ है नहीं, तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा अपना चीज़ों का ध्यान रखना, आप जेब में चोरी वोरी हो सकती है। अब वो तो यार कहीं पर भी हो जाएगी, क्योंकि भीड़ भड़ाका बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ये जो ऊपर दिख रहे हैं ना, निकारागुआ के फ्लैग के कलर है, ब्लू एंड वाइट। कतिया ना अपने चांदनी चौक टाइप वाइब आ रही है यहाँ पर। थोड़ी थोड़ी अफ्रीका वाली वाइब भी आ रही है यहाँ पर, अफ्रीका के जो मार्केट है ना वैसे से। बोला ये कल वाले फ्रूट जो मैं कल खा रहा था ना, अरे बाप रे भाई ने ठोकी दी थी गाड़ी में। लोगों ने यहाँ पे कैमरा को देख के ना थोड़े से अजीब सा बिहेव कर रहे हैं, मतलब आई थिंक यहाँ के लोग कैमरा फ्रेंडली नहीं है इतने जितने मैं सोच रहा था। लोग वैसे फ्रेंडली हैं लेकिन कैमरा फ्रेंडली नहीं है। ये भाई यहाँ का फूड मार्केट आ गया, मार्केट का जो और अंदर वाला एरिया उसके अंदर जा रहा हूँ अभी घूमने। अभी तक जितने भी कंट्रीज में गया हूँ ना, पनामा में या फिर कोस्टारिका में, इस टाइप का मार्केट नहीं देखा था मैंने। मैं एक दो मार्केट में वहाँ पे विजिट किया था, लेकिन इतना ज़्यादा डेंसली और यहाँ पे गंदगी थोड़ी ज़्यादा ही है। थोड़ा मुझे अपने जेब वेब का भी ध्यान रखना ही पड़ेगा। डर भी लग रहा है मेरे को यहाँ पर शूट करते हुए, क्योंकि ये सेंट्रल अमेरिका के अंदर वन ऑफ द ऐसी कंट्री है जहाँ पर लोग थोड़े ज़्यादा ही ऑफेंड हो जाते हैं, और ख़ास करके यहाँ की पुलिस। अभी तक तो यार बेसिकली जैसे अपने आप इंडिया में सब्जी मंडी में जाओगे ना वैसी सी फीलिंग आ रही है। एक हिसाब से ना निकारागुआ के जो पर कैपिटा इनकम है, यू मान लीजिए सेंट्रल अमेरिका के अंदर ये वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज में से एक है। अब कोस्टारिका से आ रहा था, वहाँ पे तो यार जो उनकी पर कैपिटा इनकम थी अच्छी खासी थी, लेकिन यहाँ की पर कैपिटा इनकम अच्छी नहीं है। और वो शायद आप थोड़ा बहुत वीडियोस के थ्रू समझ ही पा रहे होंगे कि भाई यहाँ पे गरीबी थोड़ी ज़्यादा ही है एज़ कम्पेयर टू बाकी। पनामा में भी इकोनॉमी ठीक ठाक है, और कोस्टारिका तो और ही ज़्यादा अच्छी है। Muchas gracias. Thank you. Café sí. Un café leche. No, solo café. Solo café. Okay, solo café. Can I sit here? Muchas gracias. Market में अभी एक जगह पर बैठ के कॉफी पी रहा हूँ। तो यही इस मार्केट से है ना, आप ये मान लीजिए अपने इंडिया के जो थोड़े डेंसली पॉपुलेटेड मार्केट होते हैं, जैसे चांदनी चौक थोड़ा ज़्यादा डेवलप मान लीजिए, अफ्रीका में इस टाइप के मार्केट देखें, अपने इंडिया में भी इस टाइप के मार्केट मिल जाएंगे। भाई लिटरली ये एक एंटीबायोटिक क्रीम है, ये बाहर आपको मार्केट में मिल रही है बजाय कि एक फार्मेसी शॉप के। चप्पलें वप्पले जो चीज़ चाहिए सब मिल जाएंगे आपको। ये बहुत बड़ा मार्केट है भाई, और पुलिस वाले भी ठीक ठाक हैं। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ और देखी है, एक निकारागुआन फ्लैग के साथ एक ये ब्लैक फ्लैग और रखा होता है FSLN करके, और ये है सांदनिस्ता लिबरेशन नेशनल फ्रंट। यहाँ पे ना एक डिक्टेटर हुआ था, और उस डिक्टेटर को ओवरथ्रो करने में इस पार्टी का बहुत बड़ा हाथ था, और ये काइंड ऑफ एक लेफ्ट विंग की पार्टी है, तो इस पार्टी का आपको निकारागुआ के अंदर अच्छा खासा इन्फ्लुएंस मिल जाएगा।
जहाँ पर भी आपको निकारागुआ का फ्लैग मिलेगा ना, साथ में ये ब्लैक वाला फ्लैग भी जरूर होगा। उसके कुछ गार्ड्स हैं, उन गार्ड्स को मैंने अभी यहाँ पे मार्केट के अंदर भी देखा है, और उन्होंने लिटरली वो FSLN या FSNL का जो फ्लैग है ना, उनके बैजेस पे देखा है मैंने, कंधे के ऊपर। पता नहीं यार, मेरे को थोड़ा सा ना अजीब सा लग रहा है इस मार्केट में आके। मार्केट तो मस्त, वाइब अच्छी, अभी तक मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, लेकिन जो लोगों ने बताया या फिर मैंने जो नेट के ऊपर पढ़ा ना, उसके कारण थोड़ा सा पैरानॉइड हो रहा हूँ मैं, कारण मुझे नहीं पता क्या। क्वांटो सही, ओके, मुझे ग्रेसियस। तो भाई कॉफ़ी पी ली है मैंने, और अब मार्केट के अंदर और जा रहा हूँ मैं। वैसे आपको पता होगा ना, टमाटर भी सेंट्रल अमेरिका से ही आया था, टमाटर और आलू भी शायद यहीं की खोज है। और अपने इंडिया में जब पुर्तगाली आए थे, या फिर पुर्तगाली आलू और टमाटर लेके आए थे पहली बार। बसलिंग सीन है भाई, कतई मज़ेदार। क्या चीज़ है, यहाँ के लोगों की लगभग की शक्ल है ना अपने इंडियन से काफ़ी मिलती जुलती है, तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं इंडिया से बाहर हूँ। कुछ लोग बीच बीच में गोरे और काले आ जाते हैं, लेकिन लगभग की स्किन है ना एकदम ब्राउन टाइप की है, आपको दिख ही रहा होगा। लेकिन लैटिन अमेरिका के अंदर मैंने क्या चीज़ नोटिस की है, लोग गिटके हैं यहाँ के, मतलब हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है। ये भाई है क्या, मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये आंटी कहाँ से लेके आई हैं। ये बॉल दिख रही है मेरे को, किसकी, टेनिस टाइप की बॉल है, किसी के अंडे वंडे हैं क्या? अगर किसी को समझ आ रहा है तो बताना भाई, मुझे तो बिल्कुल पता नहीं लग रहा है क्या है ये। ये वाला एरिया तो और ज़्यादा डेंस हो गया भाई, जितना मैं सोच रहा था उससे भी ज़्यादा डेंस है ये मार्केट। मेरे चेहरे पे ना आपको थोड़ी टेंशन दिख रही होगी। अच्छा, ये यहाँ का फिश मार्केट है, क्रैब मछली सब कुछ है भाई इधर। भाई ये है ना टर्टल के अंडे हैं, मतलब कि कछुए के अंडे, और यहाँ पे शायद ये कि डेलिकेसी है। सो पीपल ईट इट हियर? यस, वी ईट इट हियर। डेलिकेसी? यस, इट्स डिलीशियस। व्हाट डू कॉल इन स्पेनिश? Huevo de tortuga. ¿Ah? Huevo. Huevo. Huevo de tortuga. Huevo de tortuga. Es toro egg. Okay. Muchas gracias. Welcome. What's your name? Jose. Jose. Nice to meet you. What you doing here? You're traveling. Yeah, travel. Yeah, vacation. Where you from? What do you think with this face? Try to guess. I can tell. Indian? Yeah. Muchas gracias. Ah, no habla español. ¿Cómo no está hablando español? Poquito. No importa. Turist. ¿Qué país? India. La India. Yeah. Placer, Nicaragua. Bienvenido. Yeah. Good. यार एक दो बंदे बात कर लेते हैं ना, उसके बाद थोड़ा बंदा फ्रेंडली हो जाता है। अब ठीक है, धीरे धीरे, ज़्यादा फ्रेंडली भी नहीं होना है, लेकिन अब मेरे को माहौल ठीक लग रहा है यहाँ पर। पर लोग यहाँ पे ना थोड़े अलग तो है भाई, जितना कैमरा फ्रेंडली मैंने बाकी जगह देखा था ना, यहाँ नहीं लग रहे लोग मेरे को। शायद थोड़ा टाइम लगेगा, मे बी ये हो सकता है। पर लाइफ में पहली बार देखा है कि लोग कछुए के अंडे खा रहे हैं, और यहाँ पे ना काफ़ी जगह मिल रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जगह पर। पहले तो मैं कन्फ्यूज हो गया था, ये टेनिस बॉल जैसा क्या है, टेबल टेनिस की बॉल लग रही थी मेरे को। ये देखिए भाई, सारे अलग अलग टाइप के सी फूड, और ये कछुए के अंडे। ओला, ये आई थिंक श्रिम्प हैं, श्रिम्प अलग अलग टाइप के। अभी इस मार्केट का जो वो वाला सेगमेंट है हार्डवेयर वाला, उसमें आ गया हूँ मैं, और यहाँ पे ना एक टैक्सी मेरे को दिख रही है, उसको कापोनेरा बोलते हैं, डिस्कवर। अरे भाई, हाँ यहाँ पे बजाज की बाइक बहुत हैं, बजाज की और TVS की, होंडा की भी अच्छी खासी हैं। अभी बीच वाला सेक्शन था ना, वो कुछ ज़्यादा ही डार्क टाइप में हो गया था, लेकिन बाकी अभी मार्केट मेरे को सही लग रहा है। तो भाई मैं अभी मेरे लिए कॉटन की टी शर्ट ढूँढ रहा हूँ, और मैं एक शर्ट लेने का भी सोच रहा हूँ यहाँ पे। ओला, तो अब देखते हैं मिल पाएगा नहीं मिल पाएगी। भाई बारिश और आ गई है यार, ये भाई बारिश आने के बाद यहाँ का माहौल देखिए आप। जो जिन बेचारों की ओपन में दुकान हो, उनके साथ क्या हालत होती होगी, मैं तो ये सोच रहा हूँ। इनको भी प्लास्टिक तो खूब रखना ही पड़ता होगा, क्योंकि यहाँ पे बारिश और कुछ हो ना हो, बारिश हमेशा होती रहती है, बहुत ज़्यादा वो भी। भाई मुझे ऐसा लग रहा है जो कौरवों ने चक्रव्यूह बनाया था ना, उस चक्रव्यूह में फंस गया हूँ। मार्केट के अंदर तो घुस गया हूँ मैं, लेकिन अब यहाँ से बाहर निकलने का मेरे को रास्ता ही नहीं मिल रहा है। हर जगह एक नया सेगमेंट आ रहा है, कहाँ पे कुछ था, यहाँ पे अब खिलौने आ गए हैं मेरे पास। कुछ भी कहो यार, अगर किसी कंट्री का आपको अंदाज़ा लगाना है ना, तो वहाँ के मार्केट के अंदर घुस जाओ, और वहाँ के जो प्राइसेस है ना, उससे आपको पूरे देश का अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई लोग खरीदते क्या हैं, लोग कहाँ पैसे स्पेंड करते हैं। ओला मेरे को इंडिया टूरिस्ट या ओ बॉय इंडिया
लोग सच में फ्रेंडली हैं। अभी तक का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है ये। बस पंगा बारिश ने कर रखा है और कोई पंगा नहीं है यहाँ पर। ये देखो भाई, तड़प 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 तड़प, खतरनाक बाढ़ आ गई है भाई। पानी इकट्ठा होने लग गया, बाढ़ जाएंगे तो क्या होगा। मैं तो इधर ऊपर आ गया हूँ अभी, लेकिन जूते गीले हो चुके हैं। अभी थोड़ा लेदर बचा हुआ है गीला होने से, वरना अंदर भी जुराबे भीग जाएंगी। और ये यहाँ का माहौल है। अभी बारिश रुक तो गई है, लेकिन ये पानी जाने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। पूरा मार्केट भर गया पानी से, बढ़िया हो गया एकदम। खतरनाक बारिश आ रखी है यहाँ पे, पता नहीं लग रहा है सच में, क्योंकि ऊपर थोड़ी शेड है। कर लो भैंस की एक्सप्लोरेशन, अब यहाँ से निकलना तो पड़ेगा ही। भीग गए जूते भाई, सही है, गंदगी में कतई। हो गई मेरी लोकल एक्सप्लोरेशन, शाबाश दीपांशु। ऐसी होती है भाई लोकल ट्रैवलिंग, करो आप। नदी बन गई है भैंस की, रोड सारे। ये देखो, शाबाश बेटे दीपांशु। पता नहीं भाई कहाँ कहाँ की गंदगी आ रही होगी इस पानी पे। चप्पलों में ट्रैवल करना पड़ेगा, इन जूतों को सुखाना पड़ेगा भाई। ये लेदर के जूते हैं, इस चीज़ों के लिए नहीं बने हैं। दिस इज़ माई फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ निकारागुआ। ऐसा है भाई, आप भर गए मेरे जूते मस्त तरीके से। और भाई सेम सीन अपने इंडिया के साथ है, थोड़ी सी बारिश होती भाई ये दबा के पानी भर जाता है। ड्रेनेज अपनी हर जगह इतनी घटिया में है कि क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। भाई जैसी बारिश होने लगी है ना, यहाँ के लोकल्स ये अब खाने लग गए हैं। इसे बोलते हैं बाव। इसमें भाई मीट है, सब्जियां हैं और शायद शकरकंदी है बीच में, काइंड ऑफ सूप है ये। इसे लोग यहाँ पे लोग बड़ा पसंद करते हैं। ये अभी दिखाता हूँ कैसे डाल रही हैं दीदी। ये थोड़ा सा मीट का पार्ट जाएगा, पता नहीं मेरा इसका खाने का मन नहीं कर रहा है सच में। मजे तो नहीं कर रहा हूँ डिश को, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मैं खाऊँगा बीमार हो जाऊँगा इसको। भीग गया हूँ कतई गंदे तरीके से, और अब यहाँ से ऑटो लेके या बाइक लेके मैं वापस से अपने होटल में जाऊंगा। आज का मेरा एक्सप्लोरेशन हो गया है। मार्केट में निकलने से पहले सोच रहा था कॉफ़ी पी लूँ, बाकी अब और कुछ बचा नहीं है। बाकी मैंने ना भाई ये क्लारो का सिम कार्ड लिया है, जिसके अंदर 200 कोडो मास के अंदर मुझे मिल रहा है 15 दिनों के लिए 10 GB और अनलिमिटेड सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, ये अनलिमिटेड है। और बाकी भाई अपने इंडिया में भी आजकल आती है ना ये, मैंने देखी तो है यार, कुछ टाइम पहले देखी थी। यहाँ पे इस तरीके से आप पानी की थैली खरीद सकते हो। पुराना कंसेप्ट है, लेकिन थोड़ा जिन कंट्रीज़ की इनकम ज़्यादा नहीं होती उन कंट्रीज़ में इस टाइप की चीज़ें मिल जाती हैं। अपने दिल्ली में भी तो हैं वो पानी को ऐसे दबा दबा के निकालने वाले, तो सेम सीन यहाँ पे है। वो बस वो दबाने वाले नहीं, यहाँ पे थैली मिल जाती है। ओला अमिगो के नोम्रे 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 कापुरेरा उनको मिल उनको उन किलोमीटर क्वांटो 40 कोर्दा में 1 किलोमीटर मुझे घुमा के लेके आएगा, ठीक है। ये है भाई आगे टैक्सी, पीछे अपना भाई बाइक चला रहा है और इधर मैं आगे रिक्शा में बैठा हूँ। हाँ बेटा ठोक दे सबको ठोक दे आज। ये देखो भाई पानी भर गया, और ये पानी सारा का सारा है ना मार्केट के अंदर जा रहा है। भाई क्या स्वाद आ रहा है मेरे को, मैं बता नहीं सकता आप लोगों को, अलग से हैप्पी फीलिंग आ रही है। ये छोटे देखो अंदर, ये भाई अंदर अपने गाड़ी में आराम कर रहे हैं। वाह, ये थोड़ी बच के रहना पड़ेगा, सामने वाला बंदा है ना मेरे को डाउटफुल लग रहा है जिस हिसाब से लुक्स दे रहा है लोगों को। Hasta nuestros amigos se enamoran de la forma que nos ven de enamorados. Somos dos. Mami, te lo digo, tú eres mi abrigo cuando va el sol. Con tu amor, esas nubes grises se vuelven color. Yo con tanto frío, tú me das calor. Listo para vivir contigo primavera. चालीस बोले थे ना, एक मिनट रुकिए। मुचा ग्रासेस अमिगो, बाय बाय। ये देखे भाई बारिश लगभग फाइनल रुक चुकी है, और भाई जूते में ये देखो खच पच हो रहा है पूरा। और अब भाई मैं अपने होटल में जा रहा हूँ, पहले दिन जितनी एक्सप्लोरेशन कर ली थी अब यहाँ से बाइक पकड़ के अपने होटल में जाऊँगा। पता नहीं कब तक आने वाला यार, शायद जेमी नाम है क्या, अब जे साइलेंट होता है साइलेंट में, क्या आईमी नाम है बंदे का। आईमी आयर इज कमिंग, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट देम। वो आईमी आयर दिख तो नहीं रहा मेरे को, यही बंदा है भाई अपना। पल्सर पे आया है, कौन सी
Pulsar X. Hola, amigo. ¿A ti cómo va? Ah, Dipanshi, yes, sí, sí. ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien. ¿Muy bien? Yo tuve un amigo que era de India. Yeah. अब निकल चुके हैं भाई और ये भाई साहब मुझे छोड़ देंगे अपने होटल के अंदर और फिर भाई मैं आगे का प्लान बनाऊंगा क्या करूं क्या नहीं करूं। काफ़ी हो गया मेरा आज का पहला इंप्रेशन। अरे छोरे मारेगा के भाई ऐसे कट मार रहा है शानदार से। अच्छा यू टर्न लिया है भाई ने। ठीक ठीक। ये टैक्सी वाले भाई बता रहे हैं कि इनका एक दोस्त वो इंडिया से आया था और उनका भाई जेल में फंसा हुआ था, वो इमिग्रेट कर रहा था। गोइंग टू यूएसए? या इन जेल। Muchas gracias, amigo. Okay, bye bye. Español poquito. तो भाई वापस आ गया हूँ मैं और एक सबसे मस्त बात जो भी भाई मिले थे वो बता रहे थे कि उनका एक इंडिया से दोस्त आया था और उस बंदे का दोस्त जेल में बंद था उनसे मिलने आया था। फिर बताया मैं क्या पंगा हो गया था, पहले तो कुछ नार्को नार्को बोला, फिर शायद मेरे को गलत सुन गया था, पहले मुझे लगा ड्रग्स के केस में फंस गया, फिर बोलता नहीं नहीं इलीगल इमिग्रेंट थे, फिर बोला वो इलीगल इमिग्रेंट था जा रहा था यूएस से। भाई जितने भी लोग डंकी मारते ना जरूरी थोड़ी कि सारे पहुँच जाएंगे, आधे बंदे बीच में फंस जाते हैं। और बाकी आ रहा ये फोटो देखो, मुझे ना अभी एक पुलिस वाले भाई साहब मिले और उनके पास जिमनी थी, मैंने उसको जाके बोला कि भाई साहब मेरे पास भी जिमनी है लेकिन मेरे पास 5 डोर और मैंने आज तक पुलिस को कभी जिमनी यूज़ करते हुए नहीं देखा, मैं बोला आपकी फोटो ले लूँ क्या? मैं बोलते ले ले। तो ये है भाई मेरा सब कुछ भीग चुका है, ये जूते वूते, अब इनको जूतों को थोड़ा खोलो बोलूँगा और अब आगे देखते हैं भाई क्या करूँगा क्या नहीं। अब बाकी सिटी को एक्सप्लोर करने वाला नहीं हूँ मैं, कुछ ज़्यादा खास नहीं है भाई। मेरा इस मार्केट में जाने का मन था क्योंकि इस मार्केट को वन ऑफ द डेंजरस मार्केट भी बोला जाता है और वन ऑफ द बेस्ट मार्केट भी बोला जाता है, दोनों एक साथ। डेंजरस वाली फील मुझे ऐसी कोई आई नहीं, लेकिन हो सकता है कि मुझे नहीं आई हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो डेंजरस ना हो। मेरे लिए आज काफ़ी फन था मार्केट में जाना, बस ये बारिश आ गई इसके कारण से थोड़े पंगे हो गए थे, बाकी सब मुचा ग्रासियस। तो बस भाइयों इस वीडियो में इतना ही, यही है मेरा निकारागुआ का पहला इंप्रेशन। लोग मस्त हैं, डिक्टेटरशिप है यहाँ पे तो थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, वो वाली प्रॉब्लम अभी तक मैंने नहीं देखी। आई थिंक इन फ्यूचर मिले ना मिले वो अब आप आगे वाली वीडियो से पता लगा सकते हो। तो बस मिलता हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।